नमस्कार, सीमा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा पाव। तो बड़ा पाव कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताएंगे, और उसके लिए जो उसकी जो उसके लिए जो एक तीखी सी चटनी बनाते हैं वो कैसे बनाएं घर पे, तो उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो घर पे कैसे बनाएं और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये उसके लिए हमें चाहिए, ये एक छोटी कटोरी के लगभग मैंने ले लिया है मूंगफली। तो ये मूंगफली इसमें हमें ऐसी ही लेनी है बिना भुनी हुई, लेकिन ये मेरे पास भुनी हुई थी तो मैंने यही यूज़ कर ली है, और इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। और ये 5 सूखी लाल मिर्च ले ली। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसको 8 या 10 कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी तीखी है तो बच्चों के हिसाब से ये मैंने 4 ही 5 ली हैं। और ये 1 कप, एक बड़ा छोटा चम्मच जो मीडियम साइज़ का चम्मच होता है उससे जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। और ये हमने 10-12 कली लहसुन ले लिया है। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, ये है सूखा घिसा हुआ नारियल। तो आप टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में भी लेके आप इसको भून सकते हैं, लेकिन हमने इसको घिस के कद्दूकस से घिस लिया है। तो हम इसको इसी कटोरी से हमने सारी चीज़ें मेज़र करी हैं, ये मूंगफली और नारियल, और बाकी चीज़ें उसके हिसाब से ले लीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इसको हल्का सा भूनना है। तो ये हमने गैस ऑन किया और एक पैन रखा इस पे। अब हमें इसमें कोई भी तेल जो भी हम आप खाते हैं तो 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच डालना है। तो ये 1 चम्मच हमने हल्का सा तेल डाल लिया है। अब हमारा तेल गरम हो रहा है। तो जब हमारा तेल हल्का सा गरम हो जाएगा तब हमें ये अपनी सारी चीज़ें हल्का सा फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें साबुत लहसुन। तो ये 7-8 लहसुन की कलियाँ ये हमने डाल दी हैं। इसको बीच बीच में थोड़ा सा हल्का सा चलाते रहें। जब तेल तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम से स्लो फ्लेम पे कर दें, एकदम कम कर दें गैस अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग धीमा तेज करते रहें। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना है क्योंकि हमको इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। ये हमने मिर्च डाल दी, सूखी लाल मिर्च। अब हम इसमें डाल देंगे अपना नारियल जो हमने घिसा हुआ है। तो नारियल में तो वैसे ही तेल होता है तो इसको आप डालेंगे तो ये भुनने में अपना हल्का सा तेल छोड़ेगा। तो गैस का फ्लेम हम हल्का सा बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से धीरे ही आंच पे ही हमको हल्का हल्का सा इसको सबको भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उतना ही हमको इसको भूनना है। तो ये देखिए हमारा गोल्डन हल्का सा ब्राउन हो गया है नारियल। तो हमें इससे ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है, तो हमने गैस ऑफ कर दी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए है, इसमें तीखापन नहीं होता है, तो सब सिर्फ कलर के लिए इसको हम डालेंगे। अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल के आप इसको दरदरा, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, एकदम दरदरा इसको हमें पीसना है। तो इसको हम ठंडा करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी तीखी चटनी बनके तैयार है बड़ा पाव की। तो इसी तरह दरदरा से आपको पीस लेना है। तो ये हमारी तीखी चटनी बनके रेडी हो गई है। अब हम बड़ा पाव के लिए जो है हरी चटनी कैसे बना, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है 4-5 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च ले ली है, अदरक के 2-3 टुकड़े ले लिए हैं, और 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है, और ये हमने थोड़ा सा धनिया ले लिया है और पुदीने की पत्तियाँ हैं। तो इसको हमको क्या करना है कि इसको अच्छा बारीक पेस्ट बना लेना है। और हम इसमें थिकनेस के लिए क्या डालेंगे, कुछ
तो उसके लिए हमें, और ये मिर्च हमने कम डाली, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो 4-5 हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो हमने 2 हरी मिर्च डाली है। इसमें हमने उसको थिकनेस के लिए हमने भुने हुए चने थे तो वो हम ये लास्ट में डालेंगे। तो पहले हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं, हरी चटनी। ये देखिए हमारा जो है चटनी बन के तैयार हो गई है। ऐसे ही हमको इतनी महीन अच्छे से बढ़िया से पीस लेनी है। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, ये हमारी चटनी तो बन के रेडी हो गई, हम इसमें 1 चम्मच इमली की मीठी चटनी मिलाएंगे। तो आप इमली का पल्प भी मिला सकते हैं अगर आपके पास चटनी नहीं है। मेरे पास चटनी बनी हुई थी तो मैंने इसमें डाल दी है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। तो ये डाल दिया हमने इसमें नमक, और ये 3-4 दिन आपकी चटनी अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर दीजिए तो आपकी चटनी ये ख़राब नहीं होगी। तो ये हमने, हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब हम बड़ा पाव का आपको मसाला कैसे रेडी करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो बड़ा पाव में जो हम अंदर फिलिंग भरेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ये ले लिए हमने 7 से 8 आलू, ये उसमें कद्दूकस कर लिए, हाथ से भी मैश कर सकते हैं, और 10-12 करी पत्ते ले लिए हैं, अदरक और हरी मिर्च का छोटा छोटा बारीक काट लिया है, कद्दूकस भी कर सकते हैं या पेस्ट ले सकते हैं, 1 चम्मच बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 बड़ा चम्मच राई है, महीन वाली जो राई आती है वही लेनी है, और ये आधा चम्मच हींग है, और ये 1 नींबू है। तो हमें क्या करना है, एक पैन लेना है, और ये हमने रख दिया है पैन, इसमें तेल हमने पहले से ही डाल के रखा हुआ था, तो 2 चम्मच तेल हमने डाल दिया इसमें, 2 बड़ा चम्मच, तो जब तक तेल हमारा गरम हो रहा है तो इसको जो है फिलिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जब हम बाद में जब इस हम बड़े बनाएंगे तो इसमें किसमें जो है हम ये बेसन का, हमने 1 कटोरी बड़ी कटोरी बेसन का वो ले बेसन ले लिया है, इसमें आधा चम्मच हींग डाल दी है, नमक स्वादानुसार डाल लिया है, और बेकिंग सोडा 1 पिंच डाला है, और इसको अच्छे से फेंट लीजिए पानी डाल के। तो ये तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई, ये राई जिसमें हमारी हींग और हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे करी पत्ता। गैस का फ्लेम लो रखें, और इसमें जो ये हमने अदरक और हरी मिर्च का ग्रेट किया था वो डालना है। गैस का फ्लेम लो ही रखें क्योंकि जो है हमारे मसाले में तो जल जाएंगे। अदरक हल्की सी भुन गई है हमारी, अदरक भुन गई है, हम इसमें डालेंगे आलू। ये हमने डाल दिया इसमें आलू, गैस का फ्लेम लो ही रखें। इसमें डालेंगे नमक, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। ये हमने डाल दिया इसमें नमक, और इसमें डाल देंगे नींबू, तो 2 चम्मच के करीब ऐसे रस ले सकते हैं या 1 नींबू डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम गैस बंद कर दें, और इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अभी हमारी फिलिंग ब्रेड बन के रेडी हो गई है, अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम बनाएंगे इसकी बॉल्स। तो ये हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम कढ़ाई रख दी है, और हमारा तेल डाल लिया, तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इस और हमने इसकी आलू को ठंडा करके इसकी बॉल्स बना ली है।
तो आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इन बॉल्स को बेसन में लगा लगा लपेट के इसी में डालनी है तेल में, तो गरम तेल में आपको डालना है। ये हमने इसमें एक बॉल डाल दी है बेसन में, अब हमें इसमें कोट करके इसी को तेल में डाल देना है। इसी तरह से आपको सारी बॉल्स बना लेनी है। तो ये देखिए, इसी तरह से आपको सारे बड़े बना के रख लेने हैं। तो ये मैंने तल लिए हैं, इसी तरह से आप भी बना के रख लीजिए। अब अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्च तेल में हल्के से फ्राई कर लीजिए। ये मैंने 2 मिर्च फ्राई करी है, क्योंकि हमारे घर में तीखा कम खाया जाता है, इसलिए मैंने 2 ही मिर्च फ्राई करी है। आप अगर तीखा खाते हैं तो इसको 2 की जगह और ज़्यादा फ्राई करके और उसमें लगा के खा सकते हैं। तो एक पैन ले लिया है, एक पैन हमने रख दिया है गैस पे हल्का सा। आप चाहें तो इसको बिना सेके भी खा सकते हैं, ये आलू की टिक्की लगा के। लेकिन अगर आप हल्का सा रोस्ट करके इसको हल्का सा सेक लेंगे तो और भी बढ़िया टेस्टी हो जाएगा। तो हमारे बच्चे ऐसे ही खाते हैं, तो इसीलिए हल्का सा हम ये बटर लगा के इसमें सेक लेंगे। तो ये हम इसकी फिलिंग भरेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, ये बन हमने सेक लिया हल्का सा, फिर हम इसमें लगाएंगे जो हमने इसका लाल वाला मसाला बनाया था। तो इस तरीके से इसमें लगा लेना है। अब जिस हरी चटनी बनाई थी वो हमें लगा लेनी है। तो ये हमने लगा दी इसमें हरी चटनी। अब ये लगा दिया हमने इसमें पाव, और ये गई हमारी एक हरी मिर्च। तो ये हो गया हमारा बड़ा पाव, बन के रेडी हो गया है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।